About the baby to a chop, Captain Dick and Safa, Desha, Kesehova Safa, and Kenyat Mehadag, Silver, Hamira, Haya, Toto, Kisar, Hena. दोस्तों 2021 में आने वाली ब्लैक मीटो में भी हमको बहुत सारे एक्शन सुनने से देखने मिलेगा और नए सुपर हीरो रेड गार्जियन से भी हम इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। लेकिन बात यह है कि फैंस का कहना है कैप्टन अमेरिका के जैसे देखने वाले सुपर हीरो है कौन, तो मैं कह दूँ कि कमिक्स में रेड गार्जियन के बहुत सारे एडवेंचर एंड स्टोरी है। तो आज हम बात करेंगे रेड गार्जियन के ओरिजिन स्टोरी के बारे में। रेड गार्जियन का रियल नेम है एलेक्सी शोस्टाकोव और वो रेड गार्जियन के सेकंड मेसन थे। एलेक्सी शोस्टाकोव सुपरविलेन के वन ऑफ द मोस्ट एस्कलेट थे और वो एक केजीबी एजेंट भी रह चुके हैं और वो नाटासा रोनो के हस्बैंड थे और वो दोनों ही सुपरविलेन थे। कॉमिक्स में रेड गार्जियन का कैरेक्टर फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 1967 के द एवेंजर्स में। कॉमिक्स से हमको जानने को ये मिला है कि एलेक्सी शोस्टाकोव मॉस्को के ओनर था और वो वन ऑफ द मोस्ट एक्लेम्ड टेस्ट पायलट थे। उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल की वजह से उनको बहुत सारे डेंजरस एंड सीक्रेट टेस्ट के लिए यूज़ किया गया था और बहुत सारे एयरक्राफ्ट के लिए भी यूज़ किया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा। जब अमेरिका एंड रशिया के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था तो सोवियत यूनियन ने सोचा कि उनको भी कैप्टन अमेरिका जैसा कैरेक्टर चाहिए, सो उन्होंने रेड गार्जियन नाम के सुपर हीरो का प्रोग्राम शुरू किया और उन्होंने एलेक्सी शोस्टाकोव को इस काम के लिए चूज़ किया। उसके बाद रशिया की डिटेक्टिव एजेंसी केजीबी ने एलेक्सी शोस्टाकोव के फेक डेथ के बारे में एक अफवाह फैलाई और उन्होंने कहा कि वो एक रॉकेट टेस्ट में मारा गया इसकी फेल की वजह से, और उन्होंने सीक्रेटली एलेक्सी शोस्टाकोव को रेड गार्जियन की ट्रेनिंग देने लगे। एलेक्सी शोस्टाकोव हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर था और वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एथलीट भी थे। उनको कैप्टन अमेरिका की जैसा ही एक सील दिया गया और वो सील एकदम कैप्टन अमेरिका जैसे थे, लेकिन कलर बहुत डिफाइंड था क्योंकि इसकी सील रेड था। जब सील को सामने तरफ थ्रो किया गया था तो वो फिर से अपने हाथ में चला आया था क्योंकि इसके मैग्नेटिवर्स के रीजन से। रेड गार्जियन का कॉस्ट्यूम कॉम्प्लीट रेड था और उसकी हेलमेट में एक स्टार का सिंबल था और इसी तरह वो रेड गार्जियन बनके सोवियत यूनियन के लिए काम करने लगा। जब ब्लैक विडो को अपने हस्बैंड की डेथ के बारे में पता चला तो वो केजीबी से इरिजन होके रेड रूम एकेडमी छोड़ दी और वो यूनाइटेड स्टेट्स चली गई और वो एवेंजर्स के लिए काम करने लगी एज ब्लैक विडो। लेकिन रेड गार्जियन अनरी अंडर बहुत मरा था क्योंकि उसने ब्लैक विडो से अच्छा नहीं किया था। जब रेड गार्जियन साइनीस लीडर कॉलोनल लिंक के साथ था तभी एवेंजर्स ने साइनीस कम्युनिस्ट मिलिट्री बेस में एक सीक्रेट वेपन डिस्ट्रॉय करने के लिए गए थे। तभी रेड गार्जियन ने एवेंजर्स टीम मेंबर स्टीव रॉजर्स होकाई एंड ब्लैक विडो से मिले थे, लेकिन ब्लैक विडो ने रेड गार्जियन को पहचान लिया था और रेड गार्जियन ने भी अपने आइडेंटिटी को रिवील कर दिया था। लेकिन दोनों टीम के बीच फाइट शुरू हुई थी और एक बार कॉलोनल लिंग ने ब्लैक विडो के तरफ करके गोली चला दी, लेकिन रेड गार्जियन ने उस गोली को अपने सीने में ले ली और उन्होंने एवेंजर्स टीम मेंबर को बहुत प्रोटेक्शन के साथ वहाँ से बाहर कर दिया और वो वहाँ पर मर गए। अब बात करें रेड गार्जियन के पावर लेवल्स के बारे में। जैसे कि कैप्टन अमेरिका रेड गार्जियन ने सुपर सोल्जर सीरम नहीं लिया था, लेकिन वो कैप्टन अमेरिका से ही बहुत स्ट्रॉन्ग एंड सुपर ह्यूमन थे क्योंकि उन्होंने कैप्टन अमेरिका से बहुत ही इम्पॉसिबल काम किया था और बहुत बार कैप्टन अमेरिका को फाइट में हरा भी था। जैसे कि वो एक एवेंजर्स थे तो बहुत बार वो लोगों की जान में सर था और बहुत ही इम्पॉसिबल काम करके कैप्टन अमेरिका से ही अपने आइडियल को रिवील किया था। सो दोस्तों, ये थी रेड गार्जियन की ऊपर एक छोटी वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। So this is SK and अपना वीडियो आ रही रहेगा।